हूं मैं गंदगी, मेरे पास महाभयंकर सैनिकों की फौज है, ये देखो। मैं किसी को भी हो सकता हूँ, कभी भी हो सकता हूँ, मैं कुछ भी हो सकता हूँ। ब्रोंकाइटिस, खांसी, दमा, अस्थमा, बहुत सारे नाम है मेरे, और मैं होता हूँ बदबू, गंदी हवा, कचरे से होने वाले एयर पॉल्यूशन से। ऐसे ही लाखों खतरनाक सैनिकों की फौज है मेरे पास। एक मजे की बात बताता हूं, इस राज्य को चलाने के लिए और इसे बड़ा करने के लिए मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे कैसे? अरे आप लोग ही तो मेरी मदद करते हो। जब तक आप लोग इसी तरह गंदगी फैलाते रहोगे तब तक मेरा ही राज्य रहेगा। जो ये सब यहाँ से चले गए, कहीं मेरे हाथ लग जाते तो फिर बताता मैं इनको कि हमारा नाम भी भोपाली ऐसे ही नहीं है। और ऊपर से मिया हम पत्रकार जो ठहरे, यहाँ आया था क्योंकि बजरंगी ने मुझे फोन करके बुलाया था। मिया स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? अरे हम हैं चुलबुल पांडे, कभी हम होते हैं प्रेम, लेकिन आज हम बन के आए हैं बजरंगी। जय श्री राम बजरंगी भाई जान। लेकिन मिया मेरे ये बताओ, ये बच्ची किसकी है? अरे इसी के लिए तो तुम्हारे पास आया हूँ, मुझे ये बच्ची मिली है, इसका नाम है स्वच्छता। बेचारी अकेली रो रही थी, कह रही थी इस राज्य में स्वच्छता का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, है ना मुन्नी? अगर ये स्वच्छता है भैया तो चलो किसी नेता या समाज सेवक के पास जाके इसको दे देते हैं भैया। आखिर स्वच्छता तो इन सब की जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही कहते हो भोपाली, लेकिन यह खुद ही सबके पास जाके आई है। कुछ ने तो फोटो भी निकाली मगर इसको किसी ने नहीं अपनाया। अरे रे ये तो बड़ी मुसीबत है, कैसे होगा? एक ही व्यक्ति है जो हमारी मदद कर सकता है भैया, और उसका नाम है राजा बाहुबली। कटप्पा जी जरा संभाल के। क्या करें महाराज, यहाँ इतना कचरा पड़ा है कि आदमी कहीं ना कहीं फिसल ही जाता है। सच कहते हैं कटप्पा जी, इतना खूबसूरत हुआ करता था मेरा राज्य, लेकिन लोगों की धीरे धीरे आदतें बिगड़ती चली गई और आज पूरा राज्य कूड़े के ढेर के समान लगता है। हर चौराहा, हर गली, सब जगह कचरा ही कचरा दिख रहा है, और उनकी इसी आदत की वजह से हमारा दुश्मन कालकेय दिन ब दिन मजबूत होते जा रहा है। लगता है फिर से युद्ध की तैयारी करनी पड़ेगी। मगर हम उनसे कैसे लड़ेंगे महाराज, हमारी आधी सेना इस वक्त सिकली ऊपर है। जो सैनिक तंदुरुस्त है उनके यहाँ कोई न कोई बीमार है, हम पहले ही दो तीन बार मुंह की खा चुके हैं,
कालकेय की सेना के नाम सुनते ही सबके पेट में मरोड़ आने लगते हैं। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा कटप्पा जी। अरे बजरंगी और भूपाली, तुम दोनों यहाँ कहो क्या काम है? महाराज, हमको यह बच्ची मिली है, इसका नाम है स्वच्छता। हमने इसका घर ढूंढना चाहा, लेकिन हमको नहीं मिला। सोचा शायद आप हमारी कुछ मदद कर दें। बजरंगी सुनो, अगर यह स्वच्छता है तो जाओ इसे लोगों के हवाले कर दो, आखिर स्वच्छता उन्हीं की जिम्मेदारी है। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं स्वच्छता सरकार की जिम्मेदारी है, और मियां आप कहते हो लोगों की जिम्मेदारी। इसी चक्कर में उसे कोई नहीं अपनाता है। देखूंगा के महाराज, एक काम हो सकता है। कालके की चिंता आप मुझ पे छोड़ दो। अरे उसके लिए तो मैं ही काफी हूँ। कालके को तो मैं यूं ही मसल दूंगा, है ना मुन्नी? महाराज, ये बजरंगी सही कह रहा है, आप तो बस आदेश दें। ठीक है, अगर आप लोगों को यही लगता है तो फिर चलो यलगार हो। आज या तो ये गंदगी रहेगी या तो फिर हम रहेंगे। देख लूंगा क्या, समझती क्या है अपने आप को? एक लाफा मारूंगा कि समझ में नहीं आएगा कि आर्या है कि जारिया है। आओ, मैं तो छोटा सा, नन्ना सा, प्यारा सा गेहू का बच्चा हूँ, फिर भी मैं तुम पे भारी पड़ूंगा। आओ ललिता। ये तो लेने के तेरे पर जाएंगे। भोपाली तुम पीछे हटो, मैं अभी एक एक के सर काट के लाता हूँ। जय बाहुबली। सर काटेगा, सर काटेगा। जब बच्चा रात को सोता है तब माँ कहती है, बेटा मच्छरदानी लगा ले, नहीं तो मच्छर सींग आ जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। और ये कटप्पा हमारा सर काटने की बात करता है, इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। महाराज, लगता है अब पीछे हटने में ही समझदारी है। उइमा, लगता है ये बहुत खतरनाक एक्टम है। मुन्नी, चलो हम यहाँ से चलते हैं। नहीं, 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 रुको। क्या आप अपने आने वाली पीढ़ी को बीमार बनाना चाहते हो? अगर आज इस कालकेय की सेना को खत्म नहीं किया तो जरा सोचो हम बच्चों का भविष्य कितना भीषण होगा। आप सब इतने बड़े बड़े लोग हैं और इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं। हर लड़ाई ताकत और तलवार से नहीं लड़ी जाती। अगर आपको कालकेय जैसी गंदगी को हटाना है तो आपको तलवार नहीं यह झाड़ू उठाना चाहिए। यही एक हथियार है जिससे आप गंदगी को हरा सकते हैं। तो उठाइए झाड़ू और कर दीजिए इस गंदगी का सफाया। अरे जो लोग अपने घर का कचरा दूसरे के यहाँ डालते हैं, वो लोग हमसे क्या लड़ेंगे? दो दिन तक तमाशा करेंगे, फिर भूल जाएंगे। इसीलिए गंदगी को कोई नहीं हरा पाया है। गंदगी हमेशा से थी, है और रहेगी। गंदगी क्या है? गंदगी अपने गली मोहल्ले में कचरा फेंकना, यह है गंदगी। जगह जगह थूकना और बीमारी को न्योता देना, यह है गंदगी। सफाई मेरा नहीं किसी और का काम है, यह सोचना है गंदगी। अपने वर्क प्लेस पर फाइव वेस मेंटेन न करना, यह है गंदगी। उस गंदगी को खत्म करने जा रहा हूं मैं। मेरे साथ सफाई अभियान से जुड़ेगा कौन? हम। अपने वर्क प्लेस पर हाउसकीपिंग करेगा कौन? हम। अपने प्लांट को साफ सुथरा रखेगा कौन? हम। हमले के लिए तैयार।